बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और गैल्वानिक सेल का। जनाब, कैसे बनता है गैल्वानिक सेल और क्या होता है सेल पोटेंशियल, और इसके ऊपर आइए जरा बात स्टार्ट करते हैं। अब सिनेरियो डिफरेंट होगा। पहले हो रहे थे जनाब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट के, आयरन के, मर्करी शर्करी के। उन इलेक्ट्रोड्स ने रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेना था, जस्ट आइंस को कलेक्ट करना, एनोड और कैथोड ने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवाना, और दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द ऑल सी। यहां पे सिनेरियो अब डिफरेंट हो जाना है। यहां पे बाकायदा तौर पर खुद इलेक्ट्रोड्स भी इन्वॉल्व होंगे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने में। क्या मतलब? यानी कि एक मेटल रॉड जब अपने ही आइंस के स्टैंडर्ड सोल्यूशन में डिप की जाती है तो उस वक्त दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। व्हाट आर एक्चुअली दीज टू पॉसिबिलिटीज? कि मेटल रॉड को अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप करें तो देर आर टू पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। द अदर पॉसिबिलिटी इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि मेटल रॉड एनोड का भी काम कर सकती है, मेटल रॉड कैथोड का भी काम कर सकती है। डिपेंड करता है कि किस दूसरी मेटल के साथ उसका कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। यानी कि यहां पे दोनों एनोड और कैथोड एक ही कंपार्टमेंट में नहीं पड़े होंगे, अलहदा अलहदा कंपार्टमेंट में पड़े होंगे। यहां पर वो सॉल्ट ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो क्या होता है उसके ऊपर भी बातचीत करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं जनाब भाई। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एक पोटेंशियल सेटअप क्रिएटेड व्हेन ए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लाइक कॉपर और जिंक इज इन कॉन्टेक्ट विद वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आइंस। वन मोलर स्टैंडर्ड के लिए यूज किया गया, ठीक है, वन मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आइंस और 298 केल्विन, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस बनता है, इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, और उसके ऊपर ये डिग्री का साइन स्टैंडर्ड के लिए। यानी कि स्टैंडर्ड तब बोला जाता है जब आपके पास वन मोल हो जाए, वन मोलर सॉल्यूशन हो जाए। वन मोलर क्या होता है, मोलैरिटी आप लोगों को आगे चैप्टर 9 मैंने पढ़ाना है, उसमें सारी डिटेल बता दूंगा। वन मोलर सॉल्यूशन होता है और इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर भी होता है 1 atm। तो 1 atm हमारे पास प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास एक पोटेंशियल सेटअप क्रिएट होता है। ये जो पोटेंशियल सेटअप क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल सेटअप को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी मेजर्ड बाय कंबाइनिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शी कहते हैं, और एक वोल्टिक सेल बनाया जाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे आपके पास कॉपर है, चाहे आपके पास जिंक है, या चाहे आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो अगर इलेक्ट्रोड है और उसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल सा काम है, इसको कनेक्ट करना है शी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब आपने डेफिनेशन तो लिख दी, इसकी एग्जांपल क्या होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आइए जरा इसकी एग्जांपल समझाता हूं। तो अब असल में ना हमारे पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, ये सारी टर्म्स आपको बता के ना उसके बाद फिर आप लोगों को सारा सिलसिला बताता हूँ कि किस तरह से गैल्वानिक सेल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बड़ा मजे का सीन, आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो बैटरीज बनती हैं जिनको हम लोग ये मोबाइल फोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरीज, ये कैसे एक्चुअली बनती है। द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो होना है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होना है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, आपको मैंने हमेशा बताया हुआ, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है।
तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड की तरफ मूव करवा रही होती है, एक्चुअली उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और उसी को ही ईएमएफ का नाम दिया जाता है या सेल पोटेंशियल का नाम दिया जाता है, और मेजर किया जाता है वही 298 केल्विन और 1 मोलर सॉल्यूशंस के लिए। यानी कि हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर के एक पोटेंशियल सेटअप क्रिएट करते हैं। उस पोटेंशियल सेटअप में ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है, इस फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं या सेल पोटेंशियल का नाम देते हैं। कैसे बनता है ये सारी चीजें अभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हम लोग एक्चुअली सम कर रहे होते हैं टेंडेंसीज ऑफ एलिमेंट्स का, कि उस किसने ऑक्सीडाइज होना है एनोड पर और किसने रिड्यूस होना है कैथोड पर। यानी कि हमारे पास सेल का पोटेंशियल जिसको ईएमएफ भी कहते हैं सम हो सकता है दो टेंडेंसीज का, जिसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शामिल करेंगे और ऑफ कोर्स रिडक्शन पोटेंशियल भी शामिल करेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को कंबाइन करके सेल पोटेंशियल बनाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम भी दिया जाता है। ये है हमारे पास एक छोटा सा आइडिया। अब तक मैंने आपको ये बताया मेटल रॉड को उसको अपने आयंस के सॉल्यूशन के अंदर डिप करके एक पोटेंशियल सेटअप क्रिएट होता है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर एक सेल पोटेंशियल बनाया जाता है। ये एग्जांपल्स पढ़ते हैं। लो जी, इस वक्त आप लोगों के पास जिंक रॉड है, और ये जिंक रॉड या जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये मैंने डिप किया हुआ है यहाँ पे अंदर मौजूद 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर डिप किया हुआ है? 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। अब 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या क्या होंगे जनाब? इसके अंदर जिंक आयंस भी मौजूद होंगे और इसके अंदर सल्फेट आयंस भी मौजूद होंगे। क्या क्या मौजूद हैं? जिंक आयंस भी मौजूद हैं और सल्फेट आयंस भी मौजूद हैं। नंबर वन। अब होना क्या है? दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी? लो जी, पहले पॉसिबिलिटी नंबर वन देखते हैं। यहां से जो जिंक सॉलिड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे और जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयंस एक्वियस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऐसा जब कर रहा होगा जिंक, तो ये एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। जब जिंक ने ऑक्सीडाइज होना है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है? 1 पे तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, 2 पर देखते हैं क्या हो रहा है। जिंक आयंस के पास एक और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके दोबारा से जिंक सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी पॉसिबिलिटी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि जिंक आयंस सॉल्यूशन से पिकअप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और कन्वर्ट हो जाएंगे जिंक सॉलिड के अंदर। यहां पर हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि रिडक्शन है, और जिंक यहां पर एक्ट कर रहा होगा एज ए कैथोड, और ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जब जिंक ने ऑक्सीडाइज होना है तो एज एन एनोड एक्ट करना है, और जब रिड्यूस होना है तो एज ए कैथोड एक्ट करना है। जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जब रिड्यूस होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आपके सामने इस वक्त मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन कर दी। अब कब इसने ऑक्सीडाइज होना है, कब इसने रिड्यूस होना है, ये फैसला करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट। अगर तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले के साथ ये कनेक्ट होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसको मजबूरन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे और एज एन एनोड एक्ट करना पड़ेगा। अगर अपने से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले के साथ कनेक्ट होगा तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन देता है और हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये सूरत हाल जो आपने सीखी, तो आप लोगों को इसके हवाले से बात मैंने समझा दी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन है। आइए जरा इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वानिक सेल्स के ऊपर बात करें, इस तरह मैंने सारी बात आपको बता दी है, एक्सप्लेन कर दी पीछे पिक्चर में, कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जिंक आयंस और सल्फेट आयंस पर मुश्तमिल होगा। दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी में सॉलिड मेटल एटम लूज करें अपने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडाइज हो जाएं, जिस तरह जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर
जिंक के कैटाइंस बना रहा था, ये पॉसिबिलिटी नंबर वन है। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। पॉसिबिलिटी नंबर टू है कि मेटल आइंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें और डिपॉजिट हो जाए सॉलिड मेटल की फॉर्म में, ये रिडक्शन हो रही होगी। और यहाँ पर इसने एक्ट करना होगा एज ए कैथोड, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और जब एक्ट करना है एज ए एनोड तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं। ये तो सारी सूरत हाल थी जिंक की। सेम इसी तरह अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर रॉड को अगर आप डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन अगर आयोनाइज हो तो कॉपर एक्वियस आयंस बना रहा होगा और सल्फेट एक्वियस आयंस बना रहा होगा। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो कॉपर सॉलिड मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे अगर और कॉपर के कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कॉपर एक्वियस आयंस कैटाइंस जो है वो पिकअप करें इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहे होंगे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और इनको मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है और इनको कंबाइन करके एक गैल्वानिक सेल बनाया जाता है। गैल्वानिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया। और जो ओवरऑल रिएक्शन था वो भी आप लोगों के सामने कंबाइन करके आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल में हमारे पास दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन भी कंबाइन हो रही होगी और रिडक्शन भी कंबाइन हो रही होगी। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा जिसमें स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और स्पीशीज रिड्यूस भी हो रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा काम मैंने सीख लिया, क्यों ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, जिसको शी के नाम से जाना जाता है, जिसकी बेस पर आगे पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलती है, जिसकी बेस पर पता चलाया जाता है कि किसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आइए जरा थोड़ा सा शी के हवाले से बातचीत कर ले, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉपिक के ऊपर चलूंगा। ये एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम यूज किया जाता है और फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम जो है उसकी वायर होती है। ये फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम एज एन इलेक्ट्रोड एक्ट करता है इसके अंदर। ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम इन विच हाइड्रोजन एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बबल्ड थ्रू वन मोलर HCl सॉल्यूशन, यानी कि एक मोलर HCl का सॉल्यूशन होता है। उस एक मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर इस ग्लास ट्यूब को जो है वो रखा जाता है। अभी प्रॉपर पिक्चर दिखाता हूँ। और यहाँ पे प्लैटिनम की वायर होती है और इसके अंदर हमारे पास ये HCl का वन मोलर सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। और ये जो बबलिंग करवाई जाती है, इस बबलिंग का पर्पस क्या होता है, यहाँ पर भी आइए जरा आपको टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। पहले आपको पता चल गया एक ग्लास ट्यूब provided with finally divided platinum in which hydrogen gas at one atmospheric is passed and bubble through one molar solution of HCl is called standard hydrogen electrode. It is measured at 298 Kelvin. इसको reference electrode का नाम भी दिया जाता है। इसको standard electrode इसलिए कहते हैं कि ये एक standard होता है measure करने के लिए किसी भी electrode के potential का, यानी कि किसी भी electrode को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन देने भी है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने भी है। किसके अंदर कैपेसिटी है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, किसके अंदर कैपेसिटी है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की, उसकी बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा और किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। बड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। तो पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड, हम लोग इसका खुद से फिक्स्ड कर देते हैं जीरो, बिकॉज टू अपोजिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट। तो इसको जीरो कर दिया जाए तो वोल्ट मीटर लगाकर जो हमें रीडिंग मिलेगी वो हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी उसी इलेक्ट्रोड की जिसकी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिसको हमने शी के साथ कनेक्ट किया होगा। कैसे किया होगा समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले देखें यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी।
यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी पॉसिबिलिटीज की तादाद दो है। पहली पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर वन, HCl जो अंदर मौजूद होगा, आपको पता है कि इसने H प्लस आइंस और क्लोराइड आइंस की फॉर्म में होना है, तो H प्लस आइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये कहलाएगा हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिडक्शन है, और इसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन, जो कि हमने कितना फिक्स किया हुआ, जीरो, चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन, जीरो है फिक्स्ड। हाइड्रोजन गैस दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बाहर से जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो आगे की इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी नंबर टू यहां पे लिख रहा हूं, जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑक्सीडेशन है, और इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, चाहे ऑक्सीडेशन की बात की जाए चाहे रिडक्शन की बात की जाए, दोनों केसेस में ये जीरो पोटेंशियल है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने खुद फिक्स किए हुए जीरो, और दूसरे इलेक्ट्रोड्स के कैलकुलेट करने के लिए एज ए रेफरेंस यूज किया जाएगा। इसकी अब आपको समझ आ गई कि इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि दूसरे से कनेक्ट होकर के ये एज एन एनोड भी एक्ट कर सकता है और एज ए कैथोड भी एक्ट कर सकता है। अब किसी के साथ इसने एनोड बनना है और किसी के साथ इसने कैथोड बनना है, डिसाइड करना है हर एक के अपने अपने पोटेंशियल ने कि कब किसने एनोड बनना है और कब किसने कैथोड बनना है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस वक्त आपको नजर आ रहा है, इसकी अगर आप पिक्चर देखें तो ये है वो ग्लास ट्यूब जिसका जिक्र हो रहा था। ये हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट करवाई जा रही है एट 1 atm प्रेशर पर, और प्लैटिनम की ये वायर जा रही है और प्लैटिनम का ही आगे इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन गैस के लिए आउटलेट है। तो ये आपको पिक्चर जूम करके दिखा रही है कि किस तरह हाइड्रोजन एक्वियस आयंस और हाइड्रोजन गैस आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही होगी। कभी तो आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, हाइड्रोजन आयंस बन रहे होंगे, तो कभी आप लोगों के पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा और हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। तो देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मैं रिएक्शन आपको ऊपर बताया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन आइंस में, हाइड्रोजन आइंस का हाइड्रोजन गैस में, ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है तो इसने एनोड के तौर पर एक्ट करना है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है तो इसने कैथोड के तौर पर एक्ट करना है। तो ये सारे का सारा सिनेरियो था। अब आप लोगों के सामने देखें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है और इलेक्ट्रोलिटिकली अदर एलिमेंट्स के साथ इसको कंबाइन करके सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, और उस सेल पोटेंशियल की वजह से या मदद से क्या कैलकुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके फाइंड आउट किया जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है कि किस इलेक्ट्रोड के साथ इसको कपल किया गया है। अगर हाइड्रोजन को ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो ये एनोड बन जाएगी, और अगर कम वाले के साथ कनेक्ट किया गया तो ये कैथोड बन जाएगी। ये फैसला करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपके सामने देखें, ये मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी को कनेक्ट किया है एक मेटल इलेक्ट्रोड के साथ। आई डोंट नो ये क्या है, फैसला होगा ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन शो कर रही है टूवर्ड्स शी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मेटल जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इस वक्त आपको नजर आ रहा है मेटल के कैटाइंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे मेटल ने जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो मेटल जो कनेक्ट की गई है ये एक्ट करेगी एज एनोड, समझ आई। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए ऑफकोर्स कैथोड तक जाएंगे, इसका मतलब है यहाँ पे शी एक्ट करेगी एज कैथोड। इसका मतलब है मेटल पर हो रहा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ शी पर हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और शी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर ने यहाँ पर रीडिंग शो की है 0.76 वोल्ट। कितनी रीडिंग शो की है, 0.76 वोल्ट। आइए जरा देखते हैं कि ये 0.76 वोल्ट क्या बला है। यूँ समझ लो कि अब अगर मैं जिंक मेटल लूँ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जा रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जिंक को कनेक्ट किया है तो जिंक एज एन एनोड एक्ट कर रही है और शी एज ए कैथोड एक्ट कर रही है। तो ये जो सेल पोटेंशियल आपको वोल्ट मीटर बता रहा है, इसकी वैल्यू की मदद से
इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा। क्या मतलब भाई, मुझे नहीं पता जिंक का पोटेंशियल कितना है, मुझे वोल्ट मीटर से पूछना है। वोल्ट मीटर कहता है कि मेरे पास रीडिंग है 0.76 वोल्ट। और बेटे इसका मतलब है अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें तो हमने शी की वैल्यू क्या ली हुई है, जीरो। तो जी शी की वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो पुट कर देता हूँ। कितना आसान हुआ, शी की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो ये सारी की सारी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू इस वक्त आपको दिख रही थी, ये एक्चुअली जिंक की हमारे पास जो है वो मौजूद थी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मैंने जिंक को शी से कनेक्ट किया, जिंक बन गया एनोड, शी बन गया कैथोड, और दोनों की वैल्यूज की बेस पर हम लोगों ने फैसला किया कि किसने ऑक्सीडाइज होना और किसने रिड्यूस होना है। अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि जिंक ने एनोड बनना है। क्यों? जिंक से इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे टूवर्ड्स शी, लेकिन एक शर्त होगी, दरमियान में ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लगानी पड़ेगी। इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अगर ये निकाल दिया जाए तो जनाबे वाली ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जीरो, क्योंकि इस यू शेप ग्लास ट्यूब के बगैर नहीं मूव कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, ये मस्ट होती है। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बात जो है वो आप लोगों को अभी मैं समझा देता हूँ। ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है, जिसमें मैंने जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करवाए और यहाँ पे जिंक जो है वो आप लोगों के सामने क्लियर कट देखें, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था और शी का रिडक्शन पोटेंशियल था, और दोनों को कंबाइन करके मैंने जिंक हाइड्रो जो है वो जिंक के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है जिसको मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दिया, बच्चा पार्टी कैलकुलेट कर लिया कितना है 0.76 वोल्ट। ये सारी वैल्यू आपको दिखाई थी मैंने प्रीवियस पिक्चर में। जिस तरह मैंने जिंक को कनेक्ट किया है इसी तरह मैं कॉपर को कनेक्ट कर सकता हूँ और ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। ये जिस तरह कॉपर को देखे मैंने जब कनेक्ट किया, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अब की दफ़ा इलेक्ट्रॉन्स बजाय शी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स शी से मूव करते हुए कॉपर की तरफ जाएंगे। यानी कि देखा गया कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है तो कॉपर एज ए कैथोड एक्ट करेगा, कॉपर पर रिडक्शन वाला रिएक्शन होगा। शी जो है वो एज ए एनोड एक्ट करेगा, शी पर जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इनके चार्जेस ऑपोजिट होते हैं। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज उल्टा क्यों है, ये चार्ज के उल्टे होने की वजह ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने मूव करके हमेशा जाना, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। दैट इज़ द स्टोरी। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन भी आपको निकालना आना चाहिए। ओवरऑल रिएक्शन निकालना बेहद आसान है। देखें कॉपर का कौन सा रिएक्शन सेलेक्ट किया जाएगा कि कॉपर आइंस ने, एक्वियस आइंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना है, और उधर से हाइड्रोजन गैस ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट होना है। यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन आइंस एक्वियस बना रहा हूँ, साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा आपके सामने ही होगा। ये देखें ये कॉपर आइंस मौजूद हैं और इधर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन कॉपर हो गया रिड्यूस और हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये है सिनेरियो। वोल्ट मीटर ने हमें रीडिंग दी 0.34 वोल्ट्स की। सेल पोटेंशियल जो मेरे पास था वो मैं कैलकुलेट करना चाहता था, तो मुझे पता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो बेटे अब आप खुद फैसला करें कि एनोड का पोटेंशियल हमें पता है जीरो, मशीन की वैल्यू हमने जीरो पुट की हुई है, तो इसका मतलब है ये सारे का सारा जो पोटेंशियल होगा, सेल का पोटेंशियल जो 0.34 वोल्ट्स आपको नजर आ रहा है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो हमने इस तरह यहाँ पे कॉपर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, जिसकी वैल्यू है +0.34 वोल्ट्स।
तो उधर से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था 0.76 वोल्ट इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया 0.34 वोल्ट्स, तो जिंक का था 0.76 वोल्ट्स ऑक्सीडेशन और कॉपर का था 0.34 वोल्ट्स रिडक्शन। इनको कंबाइन करके हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये वो रिएक्शंस है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हाइड्रोजन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही थी, कॉपर के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ चुकी है अच्छे तरीके से। इसी तरह अब हम जिंक को और कॉपर को कंबाइन कर दें तो हम एक सेल बना सकते हैं जिसको हम लोग एक गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शामिल होगा और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। इस गैल्वेनिक सेल को फर्दर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी दोबारा देखने को मिलेगा। ये देखें, ये हमारे पास कॉपर और ये हमारे पास जिंक, यानी कि शी का काम खत्म हो गया, अब काम है इलेक्ट्रोड्स का। तो ये जो डेनियल सेल बनता है जिसको दानियाल सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल थी मैंने आपको बताई थी, इसमें कॉपर एज ए कैथोड एक्ट करेगा अपने हाई रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर और जिंक एज एन एनोड एक्ट करेगा। तो अब देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, जिंक पर, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर हो रहा होगा, कैथोड कॉपर पर, जिसकी वजह से इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। जनाबे वाली हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मैंने बोला एनोड से कैथोड की तरफ। इसका सेल पोटेंशियल का ओवरऑल रिएक्शन ये देखें, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या होगा कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन, इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और भी फॉर्मूला है सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का, वो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा कि ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमें सेल पोटेंशियल के बारे में बताता है। तो देखो मैंने कॉपर का रिडक्शन पुट किया, जिंक का ऑक्सीडेशन पुट किया, दरमियान में माइनस का साइन है, इसका साइन माइनस का माइनस रहेगा। ये माइनस साइन क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, ये बात सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो अभी आपने दो इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन करके एक अदद गैल्वेनिक सेल बना लिया और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारे पास एक तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है जो कि जिंक के अंदर हो रहा है और ये एक तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन है जो कि कॉपर की तरफ हो रहा है। एट द एंड ऑफ माय वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज की इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए सॉल्ट ब्रिज क्या है जिसका बार बार जिक्र हुआ। ये एक डिवाइस होती है जो कि मेंटेन करती है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल्स। आपने देखा कि कॉपर और जिंक के दरमियान या जिंक और हाइड्रोजन के दरमियान या कॉपर और हाइड्रोजन के दरमियान मैंने ये यू शेप ग्लास ट्यूब यूज की थी। इसकी कंपोजिशन क्या है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, पैक की होती है, पोटेशियम क्लोराइड या जेल को मिक्स करके पैकिंग होती है इसकी। इसका पर्पज क्या है, इम्पॉर्टेंट यूज है, इट प्रिवेंट्स द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स के अंदर जो सोल्यूशंस हैं वो मिक्सअप नहीं हो पाते। यूं समझ लो कि दोनों के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट को रोकना और केमिकल कॉन्टैक्ट को मेनटेन करना, क्योंकि दोनों हाफ सेल्स अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, उनके दरमियान केमिकल कॉन्टैक्ट मेनटेन करना। इट एक्ट एज अ चार्ज बैलेंसिंग डिवाइस। सुना ये है कुछ इसमें कि अगर एक तरफ कैटाइन्स ज्यादा होना शुरू हो जाए तो ये दूसरी तरफ एनाइन्स भेजकर चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस कर लेती है और इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आइंस इन बोथ हाफ सेल्स। देखती है कि इस तरफ कैटाइन्स चाहिए तो उधर कैटाइन्स भिजवा देती है, एक तरफ एनाइन्स चाहिए तो उस तरफ एनाइन्स भिजवा देती है, यानी कि खुद डिजॉल्व होकर अपने पोटेशियम क्लोराइड के पोटेशियम आइंस को और क्लोराइड आइंस को प्रोवाइड कर सकता है। और अगर सॉल्ट ब्रिज यूज ना की जाए तो वोल्टेज जीरो हो जाता है क्योंकि दोनों हाफ सेल्स के दरमियान जो केमिकल कॉन्टेक्ट है ना या इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है। यानी कि सॉल्ट ब्रिज यूज समझ लो सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक डिवाइस है, अगर ये निकल जाए सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस चीज को अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। ये था हमारे पास एक डेनियल सेल जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह कॉपर ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की बजाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो ये देखो कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे और पीछे जनाबे वाली आपको पता है सल्फेट आइंस की तादाद बढ़ती जा रही होगी। यहाँ पर देखें
जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे जिंक आयंस की तादाद बढ़ती चली जा रही होगी, तो एक तरफ इन आयंस बढ़ रहे हैं और एक तरफ कैटायंस बढ़ रहे हैं, तो सॉल्ट ब्रिज क्या हो रही करेगी, आयंस की डायरेक्शन देख रहे हो, सॉल्ट ब्रिज इधर देखेगी, अच्छा कैटायंस ज़्यादा हो रहे हैं तो इधर अपने क्लोराइड आयंस भिजवा देगी, सॉल्ट ब्रिज देखेगी इधर अगर इन आयंस ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे अपने पोटाशियम आयंस भिजवा देगी, ताकि दोनों तरफ कैटायंस और इन आयंस का जो एक्यूमुलेशन हो रही है वो बच जाए, ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए, तो इट मेंटेन्स द एक्चुअल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस, के दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना पर्पस होता है। लो जी, इस एक लंबे चौड़े लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने क्या सिखाया कि किस तरह दानियाल सेल बना, किस तरह आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, किस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स को और कैलकुलेट किया जाता है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के, कब किसने ऑक्सीडाइज होना है, कब किसने रिड्यूस होना है। दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में आप लोग मेन कॉन्सेप्ट देखोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस बताऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस बताऊंगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, किस तरह सेंटर में हाइड्रोजन और उसके ऊपर और नीचे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, कब किसने ऑक्सीडाइज होना है, कब किसने रिड्यूस होना, और मैं इसको एंटीटेस्ट वाले लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करके आपको जरूर बताऊंगा, आपको साथ साथ एंटीटेस्ट भी कवर अप हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोर कांटेदार टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड कीप लर्निंग द होल प्रोसीजर। केमिस्ट्री आसान है अगर मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए। तो अपना ख्याल रखते हुए ढेर सारा, खुदा हाफिज़।